नमस्कार। 7 नवंबर 2019 का दिन है, दिन है गुरुवार और आज हम राशिफल की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सामान्य जानकारी सबसे पहले दे देते हैं। देखिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि रहेगी गुरुवार को और सुबह 9:55 तक दसवीं तिथि रहेगी। साथ ही साथ सुबह 9:15 तक सतविषा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में 27 नक्षत्रों में से सतविषा नक्षत्र है वो 24वां है। इसका अर्थ है सो चिकित्सक। इसका प्रतीक चिन्ह खाली व्रत या गोलाकार आकृति को माना जाता है। सतविषा नक्षत्र के बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की शुरुआत होती है। पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र है उसमें जन्मे हुए लोगों पर, जातकों पर देवगुरु की जो कृपा है, बृहस्पति की कृपा है, वो अच्छी तरह से बनी रहेगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य की। आज आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, अतः आप अपने आप को अधिक ना थकाएं। छोटी मोटी बीमारियां या थकान होने की संभावना ज्यादा रहेगी। एलर्जी और वायरल संक्रमण से भी आप सावधानी बरतें। साथ ही साथ अगर आप पूर्णतया विश्राम लेते हैं या औषधि का प्रयोग करते हैं बीमारी के लिए, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इमोशंस की जहां तक बात करें, आज आप काफी संतोषजनक रहेंगे। किसी के प्रति गर्मजोशी से आप पेश आएंगे। मौलिक विचारों से आपका मन पूर्णतया भरा हुआ रहेगा। पर्सनल लाइफ की जहां तक बात है, आज आप नए मित्र बनाने से बचें। आप क्या कह रहे हैं इसको लेकर विशेष सावधानी बरतें। आपका कोई करीबी आपके सारे राज खोल सकता है। अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। आपके परिवार के सदस्य आपको यथोचित समर्थन देने में असक्षम रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं आपके करियर की। जो बिजनेस वाले जो जातक हैं, उनको अचानक धन लाभ होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। साथ ही साथ व्यर्थ की वस्तुओं पर अनावश्यक खर्च के संकेत मिल रहे हैं, ये आप अनावश्यक खर्च करने से बचें। कार्यस्थल पर आपको और ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना पड़ सकता है। बात जहां तक हम यात्रा की करते हैं, तो ड्राइविंग करते समय आज आपको काफी सावधान रहना चाहिए। रात में सफर करने और लंबी यात्रा करने से बचें जहां तक हो सके। भाग्य की जहां तक बात है, भाग्य आपके पक्ष में नहीं है। भाग्य पर अगर निर्भर रहेंगे तो कोई भी काम सफल नहीं होगा। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य पर। आज आपका कोई हॉस्पिटल का खर्चा हो सकता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फूड पॉइजनिंग की संभावना बन रही है। खाने की आदतों में अगर आप लापरवाही करते हैं, तो आपकी और ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है। अगर आप अपने आहार पर पूरा ध्यान देते हैं, आपको स्वास्थ्यवर्धक आहार लेना चाहिए, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना रहें। इमोशंस की जहाँ तक बात है, आज अपने विचार और अपने जो मत हैं वो अपने पास ही रखें। मानसिक स्पष्टता आपकी बनी रहेगी। पर्सनल लाइफ की जहां तक बात है, अपने वैवाहिक जीवन को नजरअंदाज ना करें, वरना जीवन साथी के साथ बहुत बड़ा विवाद हो सकता है, जो आपको आगे चलकर आफत बन सकता है। बिना सोचे बोलने की आदत आज आपके लिए काफी हानिकारक सिद्ध होने वाली है। करियर की जहां तक आपके लिए बात है, करियर को लेकर अस्थिरता जो है वो आपके व्यवसाय में बाधा उत्पन्न करेगी। अभी आपके सामने अगर कोई मुश्किल आई हुई, तो उसको आप जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करें, वरना आपको बाद में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पैसे से संबंधित जो मुद्दे हैं, उनके प्रति सावधान रहें। विदेशी व्यापार से आपको लाभ के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। बात करें जहां तक आपके लिए यात्राओं की, छोटी समस्याएं आपकी यात्राओं में व्यवधान डाल सकती हैं। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से पहले सारी चीज़ें समेटकर तैयार कर लें, उसके बाद ही अपना सफर शुरू करें। भाग्य की जहां तक बात है, दुर्भाग्य से आपके सितारे आज आपके अनुकूल नहीं हैं। आपको अनावश्यक जो है जोखिम लेने से बचना चाहिए और भाग्य के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य काफी उत्तम रहेगा। आप काफी सक्रिय रहेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे और एक अजीब सी जो फुर्ती है वो आप में रहेगी। आवश्यकता से अधिक खाना खाने से आप बचें तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करें जहां तक आपके इमोशंस की, शांति और सामंजस्य की भावना आपके मन में बनी रहेगी। अनावश्यक वाद विवाद और तनाव से दूर रहें। पर्सनल लाइफ की जहां तक बात है, आज आप अपनी प्रेमिका को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में खुश और संतुष्ट रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। बच्चों के साथ प्रेम का रिश्ता बना रहेगा।
आप अच्छे मित्रों की संगत का आनंद ले सकते हैं। जहां तक बात करियर की है, आज व्यापारियों और पेशेवर लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। मुनाफे में वृद्धि होगी, ग्राहकों की संख्या भी बढ़ेगी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं उनके वेतन में वृद्धि और पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं। जहाँ तक बात करें अगर यात्रा की, तो यात्रा के लिए काफ़ी अच्छा दिन है। परिवार के साथ की गई यात्राओं से आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। भाग्य की जहाँ तक बात है, आज आप काफ़ी भाग्यशाली महसूस करेंगे। आपकी भौतिकवादी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, आपके गर्दन में दर्द हो सकता है, कंधे और बाहों में भी थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य भी आपके अच्छा नहीं रहेगा। आयुर्वेदिक उपचार या मालिश से आपको राहत मिल सकती है। किसी भी प्रकार की नशे की लत ना पालें, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इमोशंस की जहाँ तक बात है, आज का दिन आपके लिए काफ़ी हताश और निराशाजनक महसूस कराने वाला रहेगा। आप आलोचना के प्रति असामान्य रूप से अपनी संवेदनशीलता को व्यक्त करेंगे। पर्सनल लाइफ की जहाँ तक बात है, आज आप अपने आपको कई बातों से गिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। तनाव में वृद्धि होगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। आपसे बहुत अधिक उम्मीद की जाएगी, लेकिन आप अपनी उम्मीद पर जो है खरा नहीं उतरेंगे। छोटी सी गतिविधि भी आप आज काफ़ी ज़्यादा हिंसात्मक हो सकती है, इसलिए शांत रहने की कोशिश ज़रूर करें। जहाँ तक बात करें करियर की, आप विवादों को निपटाने के लिए या अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए पैसे खर्च करने आपको पड़ सकते हैं। अचानक से उत्पन्न हुए कोई भी वित्तीय समस्या आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी में डाल सकती है। अगर आप जल्दबाजी में कुछ कहते हैं तो आपको बहुत नुकसान होगा, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसके अलावा पैसे से संबंधित मामलों में आज किसी पर भी भरोसा ना करें। जहां तक बात करें आपके लिए यात्राओं की, यात्राएं काफ़ी कष्टप्रद रहेंगी। यात्रा करते समय सतर्क रहें, सफर के दौरान घायल होने की संभावना बनेगी, इसलिए काफ़ी सावधान आपको रहना चाहिए। भाग्य की जहाँ तक बात है, भाग्य के दृष्टिकोण से आज आपका दिन अनुकूल नहीं है। विलम्ब और विफलताओं से जूझते हुए आप आज काफ़ी ज़्यादा जो है संघर्ष महसूस करेंगे। ईश्वर से अगर प्रार्थना करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता भी यहाँ पर मिलेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य आज आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप आहार में कोई बड़ा फेरबदल कर सकते हैं जो आपको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत अच्छा लाभ देगा। अगर आप लंबी सैर पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा बना रहेगा। इमोशंस की जहां तक बात है, आज कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आप अपना साहस और विश्वास जो है वो डगमगा सकते हैं। साथ ही साथ आज आपकी जो अंतर्निहित ऊर्जा है वो उतना आपका साथ नहीं देगी। सकारात्मक दृष्टिकोण अगर आप अपनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जहां तक बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, पारिवारिक जीवन काफ़ी संतोषजनक रहेगा। जीवन साथी आज आपके हर कार्य में आपका सहायक सिद्ध होगा। वैवाहिक जीवन कुछ जो प्रेम के क्षण हैं उनको लेकर खूबसूरत मोड़ लेगा। दोस्तों के साथ रुचि, अनुभव और विचार बांटने से आपका उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बात करते हैं आपके करियर की। आज मजबूत और विश्वसनीय सूझबूझ के चलते वित्तीय मामलों के संबंध में निर्णय लेने का उत्तम समय है। इस समय किया गया उचित निवेश भविष्य में बहुत बड़ा लाभ देगा। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए विभिन्न फंडों में कुछ पैसों का निवेश कर सकते हैं। अगर बात करें आपके लिए यात्राओं की, तो प्राकृतिक स्थलों पर अगर आप सैर करने जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। पहाड़ी इलाके आपको आकर्षित कर सकते हैं। परिवार के साथ आप छुट्टी मनाने जाइए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जहां तक बात है भाग्य की, आज आपकी किस्मत आपका अच्छा साथ देगी। सकारात्मक ऊर्जा आप में रहेगी, दिन आपके पक्ष में रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। कन्या राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य आज काफ़ी अच्छा रहेगा। आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी रहेगी। आपकी जीवन शैली में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है जो आपको आगे चलकर बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ देगा। इमोशंस की जहाँ तक बात है, आज आप सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाए रखने की कोशिश करें, शांत मन रखें। दूसरों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए समय अच्छा नहीं है। पर्सनल लाइफ की जहाँ तक बात है, आप आज प्यार के विषय में शांत और यथार्थवादी महसूस करेंगे। अपने सबसे पुराने और सबसे अधिक विश्वसनीय दोस्तों के साथ रहना पसंद करेंगे। आपको अपने जीवन साथी और बच्चों के सानिध्य में परम आनंद की अनुभूति होगी। जहाँ तक बात है आपके करियर की, आज आपको अनुकूल और लाभदायक परिणाम प्राप्त होंगे।
किसी दोस्त या साथी के माध्यम से आय के अतिरिक्त स्रोत मिलने की संभावना रहेगी। यदि आप पदोन्नति के इच्छुक हैं तो इस मामले में आप आज कोशिश कर सकते हैं, सफलता मिलने की पूरी संभावना आपके लिए रहेगी। जहां तक बात करें आपके लिए यात्राओं की, आज की गई यात्राएं आपको मन वांछित फल देंगी। आप शारीरिक और मानसिक तनाव से ग्रस्त रह सकते हैं, इसलिए बहुत लंबा सफर करने से बचें। जहां तक बात है भाग्य की, आज आप काफी भाग्यशाली रहेंगे और आपको ऐसा लाभ मिलेगा भाग्य के द्वारा जिसकी आपने अभी तक उम्मीद नहीं की होगी। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। स्वास्थ्य की जहां तक बात है तुला राशि वाले जातकों के लिए, आप अपने आप को काफी तंदुरुस्त और ऊर्जावान महसूस कर पाएंगे। कोई नया प्राकृतिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ आप अपना जो है हेल्थ की कोई एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको नशे की लत से दूर रहना चाहिए, साथ ही साथ आपको संतुलित आहार जरूर लेना चाहिए। जहां तक बात है आपके इमोशंस की, आज आप पर विश्राम और स्वतंत्रता की जो भावनाएं हैं वो हावी रहेंगी। आपकी तनावपूर्ण जो मुकाबले और जो आपको थकाने वाली परिस्थितियां हैं उनसे बचने की प्रवृत्ति जरूर रहेगी। पर्सनल लाइफ की जहां तक बात है, आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिश्ते, स्नेह भरे रिश्ते का आनंद लेंगे। आप अपने परिवार और दोस्तों के द्वारा आपके द्वारा बनाई गई योजना का काफ़ी अच्छा लुत्फ़ तो उठाएंगे। घर में आए हुए मेहमान आपकी शाम को बहुत अच्छा बना सकते हैं। करियर की जहां तक बात है, आपकी रचनात्मक प्रतिभा आज उभर कर आएगी, आपके लिए ये जो है काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आज का दिन करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा फलदायक सिद्ध होगा। अपने नए विचारों और रणनीति को आगे बढ़ाएं, आपकी वित्तीय स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। बात करें अगर तुला राशि वाले जातकों के लिए यात्राओं की, सेवारत लोगों का तबादला होने की संभावना बनेगी, स्थानांतरण उनके लिए काफ़ी लाभप्रद भी होगा और आप लंबी दूरी की यात्रा करने से जरूर बचें। भाग्य की जहां तक बात है, भाग्य आज आपके पक्ष में रहेगा। आप वास्तव में जो कुछ करना चाहते हैं उसको लेकर आपके सामने सुअवसर उपलब्ध रहेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य की जहां तक बात है, आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। एक नई हेल्थ की एक्सरसाइज की शुरुआत कर सकते हैं जो आपको आगे चलकर बहुत अच्छा हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाएगी। साथ ही साथ आज अपने जीवन साथी को भी आप स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट करेंगे। जहां तक बात है इमोशंस की, आप मित्रतापूर्ण और हंसमुख प्रवृत्ति वाले रहेंगे। आज मित्रों और परिवार के साथ जश्न मना सकते हैं, प्रसन्नता का बोध चरम सीमा पर रहेगा। जहां तक बात है पर्सनल लाइफ की, आपके व्यक्तिगत जो पहलू हैं वहां पर आपकी भावनात्मक गहराई काफ़ी ज़्यादा होगी, ये आपको काफ़ी अच्छा लाभ देगी। सामाजिक जो मामले हैं उनमें आप काफ़ी लोकप्रिय रहेंगे। आप नया घर, संपत्ति या वाहन में निवेश करने की योजना बना सकते हैं। अपने प्रियजनों के साथ अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा भी कर सकते हैं। जहां तक करियर की बात है, आपको काफ़ी अच्छा अवसर मिलेगा। आपके करियर में बेहतर संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। परिवार और मित्रगण आपके स्वयं के उद्यम को स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। व्यवसायियों के लिए भी कार्य विस्तार के काफ़ी अवसर नए उपलब्ध रहेंगे। जहां तक बात है यात्राओं की, मित्रों के साथ व्यावसायिक दौरे पर जा सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार के साथ भी आप किसी प्राकृतिक स्थल की सैर पर जा सकते हैं। जहां तक भाग्य की बात है, भाग्य आज काफ़ी हद तक आपके पक्ष में रहेगा तो आपका दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की। धनु राशि वाले जातकों के लिए जहां तक बात स्वास्थ्य की है, आज आप काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे, आशावादी रहेंगे। मित्रों और परिवार जनों के साथ अगर आप शारीरिक कसरत करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। कोई ऐसा आप काम कर सकते हैं जिससे आपको शारीरिक कसरत भी होती रहेगी। जहां तक बात है आपके इमोशंस की, आज आसपास के लोगों के साथ अपने आप को अधिक जुड़ाव या जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। आप अपनी कूटनीति और आकर्षण के जादू के माध्यम से दूसरों पर विजय पा सकेंगे। पर्सनल लाइफ की जहां तक बात है, जीवन साथी के साथ बहुमूल्य समय बिताएंगे। आज के दिन का काफ़ी अच्छा आनंद लेंगे। एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। आपको किसी करीबी से अप्रत्याशित लाभ या उपहार प्राप्त हो सकता है। आज के दिन का आनंद अगर आप अपने दोस्तों के साथ लेते हैं तो आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करें अगर आपके करियर की, तो आज आपके कार्य को काफ़ी सराहना मिलेगी। सहकर्मी आपके लक्ष्यों को पूरा करने में आपके मददगार साबित होंगे। सकारात्मक और रचनात्मक
पहल करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। आराम और सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन भी आज रहेंगे। जहां तक बात है आपके लिए यात्राओं की, स्वास्थ्य से संबंधित कोई यात्रा होने की संभावना बनेगी। प्राकृतिक स्थलों के भ्रमण पर आप जा सकते हैं, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी और शरीर को भी लाभ मिलेगा। बात करें अगर आपके भाग्य की, तो भाग्य आपका काफ़ी अच्छा साथ देगा। आपके थोड़े से प्रयास आपको बहुत बड़ा अच्छा परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। आज आपको पेट से संबंधित कोई रोग हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं तो आपको अपच की समस्या हो सकती है। यथोचित मात्रा में भोजन करें। आहार में फेरबदल करने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई एक्सरसाइज को अपना सकते हैं या आप खेल का सहारा ले सकते हैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। इमोशंस की जहाँ तक बात है, आपके बच्चों की वृद्धि और प्रगति आपको नई खुशी देगी। आप जो है काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। आप काम और मनोरंजन को दोनों का आनंद जो है साथ साथ ले पाएंगे। जहाँ तक बात है पर्सनल लाइफ की, आप मांगलिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपका पूरा साथ देंगे। परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ आपका मेल मिलाप काफ़ी अच्छा रहेगा। आप इसमें व्यस्त रहेंगे पूरे दिन। अपने पार्टनर या अपने प्रेमी के साथ आप काफ़ी प्रेम युक्त जो रिश्ता है उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। आज कुछ आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को सरप्राइज दे सकते हैं। बात जहाँ तक आपके करियर की है, आज आप कार्यस्थल पर काफ़ी सक्रिय और गतिशील रहेंगे। जिम्मेदारियों के साथ साथ आप पर काम का बोझ ज़्यादा रहेगा, इसलिए आप धैर्य से काम करें। आपके उत्साह में वृद्धि होगी। काबिलियत को साबित करने के लिए आप काफ़ी अच्छा काम करेंगे। कुछ अंतराल के बाद आपको जो है इस दिन व्यापार में बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। जहाँ तक बात है यात्राओं की, कुछ लोगों को काम के संबंध में विदेश यात्रा करने का प्रस्ताव मिल सकता है। अपनी योजनाएं बनाना आप शुरू कर सकते हैं, नई योजनाएं बना सकते हैं। भाग्य की जहां तक बात है, आज काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे और आप अपनी सर्वोत्तम कोशिशें अगर जारी रखते हैं तो आपको परिणाम भी बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। कुंभ राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के संबंध में अगर बात करें तो आज आप काफ़ी तरोताज़ा और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। आपको काफ़ी खुशी होगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। आप तनाव से छुटकारा पाने के लिए कोई योगासन वगैरह का सहारा ले सकते हैं। आपको श्वास संबंधी कोई भी व्यायाम है उसको अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। संतुलित आहार अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मसालेदार और तेल युक्त भोजन करने से बचें। बात जहां तक आपके इमोशंस की, आप काफ़ी फुर्तीले और आतुर रहेंगे। आपका दिमाग काफ़ी सारे विचारों से भरा हुआ रहेगा। जहां तक बात है आपके पर्सनल लाइफ की, आज आप पुराने दोस्तों के साथ दिन बिता सकते हैं। परिवार के सदस्य आप पर काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, आपका पूरा सहयोग करेंगे। घर में काफ़ी अच्छा वातावरण रहेगा, शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। अपने प्रियतम के समक्ष प्यार का इजहार करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। करियर की जहां तक बात है, आज का दिन आपके लिए काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। जो अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए आगे का दिन सफल रहेगा। प्रतिदिन आप सफल होते जाएंगे। बेहतर व्यापारिक प्रस्तावों के नए अवसर मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से दिन आपके पक्ष में रहेगा। आय से अतिरिक्त कुछ नए स्रोत धन के प्राप्त हो सकते हैं। जहां तक बात आपकी यात्राओं की है, यात्रा करते समय दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। नशे की हालत में वाहन ना चलाएं। भाग्य की जहां तक बात है, हालात आपके पक्ष में नहीं है। परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, इसलिए आप काफ़ी सावधानी बरतें। अपनी मेहनत के बल पर काम करें। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। उत्साह से भरे हुए रहेंगे। शारीरिक सहन शक्ति आपका काफ़ी अच्छा साथ देगी। सेहत के संबंध में कोई मामला ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान कर सके। आप अपनी दैनिक आदतों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अगर बात करें आपके इमोशंस की, आपकी सहन शक्ति काफ़ी अच्छी रहेगी। सामान्य से अधिक सचेत रहेंगे, ओजस्वी रहेंगे। सार्वजनिक कल्याण के लिए आप काम कर सकते हैं। व्यक्तिगत पूर्णता का अनुभव होता रहेगा। पर्सनल लाइफ की आज जहां तक बात है, परिवार के सदस्यों के साथ बहसबाजी करने में कोई आपको लाभ नहीं है। उनसे अलग होने की स्थिति आ सकती है। आप बहसबाजी में ना उतरें। आप समय पर भोजन भी नहीं कर पाएंगे। आज का दिन आपके लिए व्यर्थ की यात्राओं के साथ साथ भावनात्मक आवेग वाला हो सकता है, इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा ना करें। करियर की जहां तक बात है, आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। आपको कार्यालय में पदोन्नति मिल सकती है।
नई अवसर या नई जो योजनाएं हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी अनुकूल रहेगा। आप उनको एक्सेप्ट करें और अपना कार्य आगे बढ़ाएं। दफ्तर में कुछ नए विचार आप साझा कर सकते हैं अपने बॉस के साथ, जो आपके खुद के दिमाग की उपज होंगे। सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए आज का दिन काफ़ी उपयुक्त रहेगा। यात्राओं की जहाँ तक बात है, यात्रा करते समय कुछ सावधानी बरतें। आप थोड़ा नीरस महसूस कर सकते हैं, आपका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा खराब हो सकता है यात्रा की वजह से। बात जहाँ तक भाग्य की है, भाग्य निश्चित रूप से आज आपके पक्ष में रहेगा। लंबे समय से जिस कार्य के पूर्ण होने का इंतजार आपको था वो आज पूर्ण हो सकता है। धन्यवाद।